लोंडा रेस लगा रहा है भाई। थोड़ी परेशान लग रही है। तुझे क्या लगा मैं अकेला बनाऊंगा? ये रहा सांची का और ये रहा मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया ही होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और सांची के लिए और आप लोगों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं करवाने जा रहा हूँ टैटू अपनी बाजू पे, वो भी सांची का जो फेवरेट था। क्योंकि गाइस जब सांची ने मेरा नाम लिखवाया था अपनी रिस्ट पे, तो गाइस तब उसने मेरे को टैटू दिखाया था। उस टाइम पे गाइस मैंने वो टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वो दो टैटू थे जो कि एक मेरी बाजू पे बनना था और एक सांची की बाजू पे बनना था। उस टाइम पे पैसे वगैरह थे नहीं, तो मैंने थोड़ा बहाना लगा दिया कि यार ये बहुत बड़ा टैटू है, नहीं बनवाना है ये वो। तो गाइस आज हम फाइनली इतने टाइम के बाद आज मैंने सोच लिया फाइनली वो टैटू बनवाने वाला हूँ अपनी इस बाजू पे। एंड गाइस जो सेकंड वाला टैटू है वो बनेगा सांची की बाजू पे। और गाइस वो जो टैटू है ना भाई, मतलब इतना क्रेजी टैटू है ना, बहुत ज्यादा यूनिक है। सांची तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। बट गाइस ट्विस्ट ये है कि मैंने सांची को बताया नहीं है कि मैं टैटू करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं करवाऊंगा उसके बाद सांची को लेके आऊंगा और सांची करवाएगी। अभी हम पहले यहाँ से चलते हैं, मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं। एंड टैटू जो भी बनवाने वाला हूँ वो आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। टैटू बनवाने का आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने अपना स्टूडियो खोला है, टैटू आर्टिस्ट है वो भी। उसका जो मैंने वर्क देखा ना भाई, टैटू इतने तगड़े बनाता है ना वो भाई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो गाइस उसी टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं भी बनवा के देख लेता हूँ। आपको वो पता चल ही जाएगा जब आज तुम्हारा भाई बनाएगा ना, तुम लोग देखोगे तुम लोग पागल हो जाओगे भाई। बहुत ही क्लीन और एकदम 3D लुक वाला बनाएगा टैटू। सो गाइस मैं आपको स्टूडियो वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो अभी पहले सबसे पहले अपनी बाइक को बाहर निकालते हैं और चलते। सो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ। ओहो देख रहे हो गाइस, लोंडा रेस लगा रहा है भाई स्कूटी पे। वो देखो, ओहो भाई मेरे मोहल्ले में भी है कुछ लोग। गणेश को ओवरटेक खतरनाक वाला। भाई लोंडा डर गया पता तेरे को, रेस लगा रहा था। रेस लगाने की कोशिश कर रहा था भाई लोंडा, देख रहे हो गाइस। सो गाइस आज तो दर्द काफी ज्यादा होने वाली है जहां तक मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि भाई वो टैटू ना बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली दर्द होगी। वो यहाँ से लेके यहाँ तक है टैटू, खुद सोच लो भाई इतना बड़ा टैटू और क्या पेन होने वाली है। तो बस अभी पूछने वाले हैं 2 मिनट तक हम। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ स्टूडियो के पास, तो आपको मैं स्टूडियो दिखा देता हूँ। पहले मैं भी आया हूँ गोलपली से, आगे आगे एक मंदिर आता है, तो मंदिर से आगे आगे आपको दिख जाएगा ये कलर्स, देख सकते हो। और इसके ऊपर आइए स्टूडियो, ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो गाइस हमारे जम्मू में से है, ठीक है। तो जो भी मेरे आसपास यहाँ पे रहते हैं, तो गाइस अपने भाई के पास जरूर आना। मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो भैया भाई का जो स्टूडियो है वो है गाइस 3rd फ्लोर पे, तो अभी चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले आपको स्टूडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं भैया से मिलवाता हूँ। तो गाइस ये है स्टूडियो और जहाँ पे हम बनवाने वाले हैं भाई वो है ये वाली जगह। और यहाँ पे आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं। सो गाइस ये रहे वो भैया। तो हेलो भैया, तो गाइज इनका नाम भी मानी ही है मेरी तरह। सो गाइज अभी हम टैटू बनवाना शुरू करने वाले हैं, तो उसका जो प्रिंट है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रिंट दिखा दूंगा कि किस टाइप का है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। अभी मेरी वैक्सिंग होने जा रही है। अभी तो भाई ने सिर्फ प्रिंट किया हुआ है, तो जब ये बनेगा ना भाई नेक्स्ट लेवल लगने वाला है। अभी आधा तो बन गया, अभी आधा और रहता है, तो लगभग 2 घंटे हो गया भाई। इतना टफ है ना ये वाला बनाना, तो आपको एक बार जब पूरा बन जाएगा उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा भाई इतना टाइम क्यों लगा। सो गाइस देख सकते हो अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ। और गाइस कल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, लगभग मेरे को 8 बज गए थे, क्योंकि वो टैटू इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था और भाई को 4 घंटे लग गए बनाने में। लेकिन गाइस आपने एंड में थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा, अभी भी आपको मैं दिखा दूंगा, बनता है भाई इतना टाइम तो लगना बनता ही है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है ये, ठीक है थोड़ा बहुत फीलिंग इसका रहता है, वो भैया कर देंगे आज। अब मैं जा रहा हूँ भाई सांची के पास, सबसे पहले सांची को अपना टैटू दिखाऊंगा, वो तो शौक हो जाएगी देखे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैंने टैटू करवा दिया है, और उसको भी लेके जा रहा हूँ टैटू करवाने के लिए। ये रही अपनी मॉन्स्टर, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाइस, फटाफट यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपको आगे चल के मिलता हूँ। एक बार सांची का भी टैटू बन जाएगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को दोनों टैटू दिखाऊंगा ना भाई, आप बोलोगे वाकई मानिक भाई बहुत यूनिक और बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, देख ही सकते हो भाई मैंने तो बना ही लिया। वो रही सामने सांची, और यहाँ पे बाइक लगाते हैं भाई छाव में, क्योंकि धूप निकली हुई है। वाह उड़ते, तुम्हारी जुल्फे पता कैसे उड़ रही है, क्या हाल है तुम्हारा। गाइस ये रही सांची। सांची तुमने आज ही मेरे कैसा लगा तेरे को ये सरप्राइज, पहले बता कैसा लग रहा है? सुंदर सुंदर लग रहा है। तो कब बनाया? हाँ कब बनाया ये बनाया था कल।
कल जो तू फोन करी थी, मैं तक बोल रहा ना बाद में करूंगा, 4 घंटे से बैठ के बनाया ये। पहले पता लग कैसा रहा है? प्यारा, प्यारा लग रहा है ना। दिखाइयो अपना हाथ। अब गाइस अब आप देख सकते हो ये आपको जो जगह दिख रही है ना एकदम खाली खाली सी, अब यहाँ पे भी बनने वाला है। क्या तुझे क्या लगा मैं अकेला बनाऊंगा? तू भी बनाएगी। पहले तो लग कैसा रहा है यार, इतनी दर्द सही है मैंने इसके पीछे? ओए सही बताऊँ, ये अब तक का सबसे बड़ा टैटू है जो मैंने बनवाया ना, लेकिन भाई बहुत दर्द होती है, और 4 घंटे बैठ बैठ के ना अभी बुरी हालत हो गई, सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना, कितना क्लीन देखना, मतलब कितना शार्प लुक है, एक एक डिटेल देख कितनी सही की है बंदे ने, है ना। ये मेरे फ्रेंड ने स्टूडियो खोला है ना, उसने मेरे को बोला कि मानिक भाई एक बार आप बनवाओगे ना तो उसके बाद आप कहीं और जाओगे नहीं। मैंने कहा चल ठीक है भाई कर ले, और उसका प्राइस भी ना बहुत जेन्युइन है, तो तभी मैंने उससे बनवाया। और ये देख कितना सही लग रहा है ना, डिटेल देखना, इसमें तभी तो टाइम लगना था, है ना। अब तू तैयार है? पक्का? चल सीधा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बनाना है ना, तो चल। तो कहे तब यहाँ से चलते हैं, अब सांची की बारी है। तेरे को पता था वैसे ऐसा होने वाला है? कुछ नहीं पता था बट ऐसा होने वाला है। चलो 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 चलो। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। सांची का रिएक्शन तो भाई आपको पता ही है, थोड़ा थोड़ा वैसे टट्टी रिएक्शन होता है इसका, बट ठीक था जितना भी था। अभी मैं सांची को लेके जा रहा हूँ उसी फ्रेंड के स्टूडियो में, तो अब मेरा तो कम्प्लीट हो चुका है, अब बारी है सांची की। और गाइस सांची की जो हालत होने वाली है ना वो आपको मैं वहाँ पे ही दिखाऊंगा। अभी चलते सीधा स्टूडियो, वहीं पे मिलते हैं आपसे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और वो खड़ी है भाई सांची, बाइक मैंने कर दी है वहाँ पे पार्क, तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर। चलो, ऐसा लग रहा है तेरे को सो के उठा के लेके आ गया हूँ मैं। सो के उठी हूँ अभी, देखो जो दर्द होगा ना, जो तेरे को मजा आएगा ना ये देख ले, इधर मेरे को पता है कि क्या हुआ। तेरे को ही शौक था, तेरे को ही शौक था, तेरे को ही शौक था ना कि मानिक यही बनाएंगे जब भी बनाएंगे। आ जाओ बनाओ। तो गाइज अभी मैं नीचे आया हूँ, बट सांची ने एक बेवकूफी क्या कर दी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये देखो, सांची ने अपना मोबाइल देखो कहाँ लगाया हुआ है, और उसको पता ही नहीं है कि मैंने मोबाइल यहाँ पे लगाया हुआ है, देख रहे हो उसका दिमाग। सो गाइस देख सकते हो हम आ चुके हैं भाई स्टूडियो के अंदर, और अब सांची का ऑपरेशन होना शुरू होने वाला है बस 5-10 मिनट में। एंड गाइस मैं आपको सांची का भी बता दूंगा, प्रिंट जो ये बनवा रही है ना वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो एक बार आपको थोड़ा प्रिंट दिखा दूंगा। सांची कैसा लग रहा है? ऐसे ऐसे डर डर लग रहा है? नहीं लग रहा, इसने पहले भी बनाया ना इसलिए इसको पता है कि भाई कितनी पेन होने वाली है। गाइस देख सकते हो अभी प्रिंट तो हो गया, तो उसके बाद जैसे ही बनेगा तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। और सांची के चेहरे पे थोड़ा थोड़ा डर दिख रहा है। क्या हुआ? इसके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दर्द दिख रहा है। सांची पेन हो रही है? नहीं हो रही पक्का? फाइनली सांची का जो टैटू है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। इस टैटू को बनाने में ना भाई 4 घंटे लगे हैं, ये देखो, देख रहे हो भाई सही है यार, मेरा भी इतना सही नहीं बना है। सांची कैसा लग रहा है? सुंदर, सुंदर। गाइस दोनों टैटू हमारे हो चुके हैं, अब आपको एक बार मैं दोनों साथ में बता देता हूँ। एंड गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि सांची का ज़्यादा अच्छा बना है कि मेरा। ये रहा सांची का और ये रहा मेरा, मेरा थोड़ा बहुत हील हो रहा है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम दोनों में से किसका ज़्यादा अच्छा है। गाइस सीरियसली बताऊँ, इतना क्लीन टैटू और इतने जेन्युइन प्राइस में ना भाई मैंने आज तक नहीं देखा कोई बनाता हो, तो आपने वैसे देख लिया होगा कि कितना क्लीन है, और भाई बहुत टाइम लगा इसको क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, तो भाई का प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, और भाई काम मैंने आज पता चल गया मेरे को, भाई प्रोफेशनल। हम दोनों का टैटू बन चुका है आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो अभी गाइस सांची को मैं घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है आज है भाई दशहरा, आज मैं सांची को लेके जाऊंगा भाई दशहरा देखने के लिए। तूने देखा पहले कभी? छोटे हुए थे, तो गाइस मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया भाई, हम भी देखेंगे रावण को जलते हुए, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि हमारे जम्मू में कैसा जलता है। तो अभी तो गाइस लगभग 3 बज गए हैं दिन के, ठीक है। तो सांची को मैं घर पे छोड़ने वाला हूँ और खुद अपने घर जाने वाला हूँ, और उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम को, ओके। फाइनली अभी टाइम हो रहा है भाई लगभग 5:30 बज चुके हैं शाम के, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई आज हम दशहरा देखने जाने वाले हैं, सांची के साथ जाऊंगा मैं। गाइस ये टैटू चेक कर रहे हो भाई, मतलब कितना डार्क लग रहा है। तो अभी मैं मॉन्स्टर को लेकर जा रहा हूँ भाई, क्योंकि जब से Z900 आई है इसको चलाना कम कर दिया हुआ है, तो सांची ने बोला कि यार ड्यूक गया ना, तो अभी चलते हैं सांची के पास, सांची को पिक करते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि भाई हमारे जम्मू में दशहरा कैसे मनाया जाता है। तो इतना तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, तो वो आप वीडियो में देख ही लोगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। जो आज आप लोगों को जो ट्रैफिक दिखने वाला है ना, क्योंकि भाई मैंने फ़ोन करके अपने फ्रेंड को पूछा, कहता भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तू बाइक लेके नहीं आ पाएगा, बाइक तेरे को पीछे कहीं पे लगानी पड़ेगी। बट कोई बात नहीं भाई, तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बाइक हम पीछे लगा लेंगे, पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होगा आज। तो ये वाला व्लॉग जो था ना ये मैंने डालना नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से डाला क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मानिक भाई लाइफ स्टाइल व्लॉग भी डाला करो और डेली व्लॉग डालो, तो भाई इसलिए तुम्हारे भाई की लाइफ में जो भी चलता है, जो भी तुम्हारा भाई कर रहा है, वो सब तुम्हें दिखा रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो।
चलें फिर, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? ज़रा टैटू तो दिखा दे, देख रहे हो गाइस, दिखा, देख रहे हो गाइस? यार तेरा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि तेरा ज़्यादा क्लीन है पता है। एंड गाइस मेरा भी ठीक ही है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है क्या है ना, देख रहे हो गाइस? दिखाना दिखाना मेरे को देखने दे यार, मेरे को अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो? हाय गाइस, सुबह हाय नहीं किया था, अभी आला इधर को है ना। तो गाइस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं पता क्या, क्योंकि वो जल्दी चला देंगे, वो नहीं वेट करेंगे अंधेरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा क्राउड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हमें पैदल जाना पड़ेगा, बाइक हमें पीछे ही लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पे, ठीक है? अपनी बाइक मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ रही है भाई, पता नहीं कौन सी गली है, अब यहाँ से हम पैदल जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। अभी तुम्हारा भाई भाई पैदल चल रहा है, और ये रही सांची, और देख रहे हो भाई एकदम ऊपर की तरफ है यार ये रास्ता, तो भी चलते हैं आगे, देखते हैं भाई क्या माहौल हो रखा है वहाँ पे। गाइस देख सकते हो भाई हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, कोई नहीं, मैं किसी से वीडियो लेके डाल दूंगा दिखाने के लिए। रावण का हो गया दी एंड, हम वहां से वापस आ गए हैं, आपने देख लिया होगा भाई, बट मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं दिखा पाएगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा क्राउड था ना, कितना ज्यादा क्राउड था, इसलिए हम आगे नहीं जा पाए। सो गाइस देख रहे हो भाई क्राउड देख रहे हो किस हिसाब का। सो गाइस फाइनली देख सकते हो भाई, अभी मैं सांची को छोड़ने जा रहा हूँ उसके घर पे, तो करते हैं आज के ब्लॉग को यही पे एंड। भाई ये ब्लॉग दो दिन में शूट हुआ है देख सकते हो भाई। तो गाइस इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।